जब तक ये आंदोलन है पुरानी पेंशन तो हम यहीं से दिल्ली से लेकर के रहेंगे। Workers from central and state governments of India have been protesting India's new pension scheme for years now. देश में 85 लाख कर्मचारी हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रही है, जबकि गवर्नमेंट के जो MLAs, MPs हैं वो 4-4, 5-5 पुरानी पेंशन ले रहे हैं। नहीं, हम लोग जाके कितनी बार अपील किया है कि हम लोग को ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, आफ्टर रिटायरमेंट हम लोग सिक्योर नहीं है बोल के उन लोगों को बोला, लेकिन वो लोग सुनवाई नहीं दे रहा है। दिस ईयर द मूवमेंट हैज गेन्ड मोमेंटम विद मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट्स डिक्लेयरिंग देयर सपोर्ट फॉर द ओल्ड पेंशन स्ट्रक्चर। कि हर आदमी केवल एक ही इच्छा रखता है, उसकी बुढ़ापे की लाठी, उसकी पुरानी पेंशन की गारंटी उसको दे दी जाए। इसके अलावा हमारा कोई और दूसरा एजेंडा नहीं है। पहले जो लोग नौकरी करते थे NPS से पहले जो लोग लगे हैं 2004 से पहले जिनकी नौकरी लगी है उनको क्या है कि एक क्वालिफाइंग सर्विस जब वो पूरी कर लेते थे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल की होती है, अगर आप नौकरी में आए और 10 साल की नौकरी आपने पूरी कर ली उसके बाद आप कभी भी रिटायर हो रहे हैं, मान लीजिए आपने 50 साल की उम्र में नौकरी ज्वाइन की तो 10 ही साल बाद आप रिटायर हो जाओगे, तो क्वालिफाइंग सर्विस आपकी पूरी हो गई। तो ऐसी स्थिति में जब आप रिटायर हो जाते हो तो हाफ ऑफ द लास्ट बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस आपको एज पेंशन दी जानी शुरू कर दी जाती है। जब तक आप जिंदा रहते हैं इसी पैटर्न पर आपको पेंशन मिलती है। फिर हर 10 साल में चूंकि पे कमीशन आते हैं तो पे कमीशन क्या करते हैं कि सैलरी को रीस्ट्रक्चर करते हैं, सैलरी 2-3 गुनी या जैसे भी जिस भी फैक्टर से बढ़ती है, तो जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है वही फार्मूला पेंशन पे लागू होता है, तो उन लोगों की पेंशन भी बढ़ती थी। अब हमें ये पता चला कि NPS में क्या किया सरकार ने, उस सिस्टम को ख़त्म कर दिया कि अब जो लोग नौकरियों में आएंगे वो क्या होगा कि पेंशन के लिए उनकी सैलरी और डियरनेस जिसे हम बेसिक सैलरी कहते हैं प्लस डियरनेस अलाउंस से मिला करके 10% पैसा काटा जाएगा हर महीने। अंडर द न्यू पेंशन स्कीम देयर आर 2 कंट्रीब्यूशंस मेड टू द पेंशन फंड, वन फ्रॉम द एम्प्लॉय सैलरी एंड द अदर फ्रॉम द गवर्नमेंट। दिस फंड इज देन इन्वेस्टेड इन द मार्केट। व्हेन द एम्प्लॉय रिटायर्स the accumulated fund which is grown in the market is used to pay the employee's pension. This subjects pension funds to the ups and downs of the market, which means there is no guarantee of a fixed pension amount like earlier. वर्किंग वुमेन ऑब्वियसली क्या कहेंगे कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी में एक हेल्पफुल रहा है। अगर हम देखें टू कम आउट ऑफ देयर हाउसेज वुमेन नीड्स जॉब, ठीक है। राइट नाउ द थिंग इज कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर फ्यूचर सिक्योरिटी, मेल हैज अ पटर्नल प्रॉपर्टी, मेल कैन ओन सो मैनी थिंग्स फ्रॉम देयर पटर्नल हाउसेज, बट वुमेन का इलीगली वी आर ओन्ड अ लीगल प्रॉपर्टी फ्रॉम आर पेरेंटल हाउस, बट अगर हम ग्राउंड्स पे उसके डाटा देखें तो लेस देन 1% ऑफ वुमेन आर ओनिंग प्रॉपर्टी इन दिस कंट्री। तो उनके लिए फ्यूचर सर्वाइवल में पेंशन और गवर्नमेंट जॉब दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, खासकर अगर हम विडोज के केसेस देखें, अगर हम सिंगल मदर्स के केसेस देखें तो उसके अंदर में जो पेंशन का अमाउंट है उनका जो खासकर ओल्ड एज का टाइम पीरियड है उसको निकालने में बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि वो पेंशन की सिक्योरिटी के कारण ही दे कैन लिव अप टू देयर एज। जब हम लोग रिटायर हो गए हम लोग को सिर्फ 6% से हम लोग एवरेज में 1400 तक आज तक मिला है। आज तक हम लोग का CPF से एम्प्लॉयज़ लोग रिटायर हुआ है 1200 नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ रिटायर हो गया, लेकिन उन लोग को पेंशन मिल रहा है कि आज मिनिमम 1400 तक, इसीलिए NPS में सिक्योर नहीं है। आप सोचिए कि हर बैंक को 4000 करोड़ रुपए महीना मिलता है जिसे वो मार्केट में अपना इन्वेस्ट करती है, अपनी दुकान चलाती है। अगर NPS को बंद कर दिया गया तो वो ये पैसा उनको मिलना कल से बंद हो जाएगा। दूसरी बात, अगर NPS को बंद कर दिया गया तो 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हो चुका है वो भी निकालना पड़ेगा मार्केट से। तो मार्केट के जो अगर कहें मैं कॉरपोरेट सेक्टर या जो बैंकर्स हैं
उनका सरकार के ऊपर प्रेशर है कि एनपीएस स्कीम को रद्द ना किया जाए, यही एक वजह है। नहीं तो सरकार हो सकता है कि हमारे इतने आंदोलन हमें करने ही ना पड़ते, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारों पर कॉरपोरेट का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। हम लड़ रहे हैं एनपीएस के खिलाफ। In the last few months, the country saw rallies and sporadic strikes of several thousand workers in different states and the national capital. The workers are demanding restoration of the old pension scheme. This entitles an employee to a pension equal to 50% of their last drawn salary. According to them, even at the highest, the new pension equals barely 20% of the last salary. तो हम लोगों ने अलग अलग स्टेट में लोगों को ढूंढना शुरू किया, जो लोग मोटिवेटेड लोग थे, जो जागरूक लोग थे। तो हिमाचल प्रदेश में भी कुछ लोग काम कर रहे थे, पंजाब में कर रहे थे, यूपी में कर रहे थे, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र में कर रहे थे, हरियाणा में भी कर रहे थे। तो हम सब लोगों ने मिलकर के एक आंदोलन तैयार किया, नेशनल मूवमेंट तैयार किया, नेशनल मूवमेंट तैयार किया। और 30 अप्रैल 2018 को हम सारे लोगों ने मिल करके पहली बार रामलीला मैदान में रैली की। In 2018, Chief Minister of Delhi Arvind Kejriwal came out in support of the old pension scheme. Though it did not mean much technically, it was a great morale booster for the movement across the country. Since then, chief ministers of multiple states have come out in support of the old pension scheme. We are hoping that from today we are doing this rally on this from on this rally we are hoping that soon we will get a positive news from a central government. The goal of the movement now is an assured pension for every worker. They want to go back to the older pension scheme under which every government employee got a pension which was 50% of their last drawn salary and an additional dearness allowance for the rest of their lives. The protests have led to the Union Finance Ministry setting up a committee in April this year to suggest improvements. Till we achieve our goal, ये संघर्ष अगेन एंड अगेन चलता रहेगा। वो रैलीज के फॉर्म में हो, वो लोकलाइज्ड प्रोटेस्ट के फॉर्म में हो, वो किसी भी फॉर्म में हो, पर ये है कि टिल हमें एक ही चीज़ चाहिए, दैट इज़ अ अश्योर्ड पेंशन। जब तक हम उसको अचीव नहीं कर लेते, विल कंटिन्यू आवर स्ट्रगल। व्हाइल द रिपोर्ट इज येट टू कम, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रूल्ड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग बैक टू द अर्लियर स्कीम। द प्रोटेस्ट हाउएवर continue to grow. Thank you so much for watching The Real News Network, where we lift up the voices, stories, and struggles that you care about most. And we need your help to keep doing this work. So please tap your screen now, subscribe, and donate to The Real News Network. Solidarity forever.